ये बचपन से लेके अभी तक की जो हमारी इमेजिनेशंस थी वो सब हमने अभी तक कंबाइन कर रखी हैं। मुझे ये आइडिया आया और मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा। मुझे लगा कि जो लोग जो मेंटली अनस्टेबल हैं उन तक अगर ये पहुंचेगा तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो मैंने अपने पैशन से ही रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ वॉर्स पे लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ वॉर्स में वर्ल्ड वॉर टू कैसे नहीं आएगा, तो मैंने वर्ल्ड वॉर टू पे लिखा है अपना स्टोरी। नमस्कार, मैं हूँ योगेश भट्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। अक्सर आपने महान दार्शनिक लेखकों की किताबें खूब पढ़ी और देखी होंगी। क्या कभी आपने कल्पना की थी 8 वर्ष से 16 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे भी बुक लिखकर इंटरनेशनल राइटर बन सकते हैं? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। तो जब मैं स्टोरी राइट कर रहा था तो मेरे ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ थे मेरे पास, पर उनमें से एक आइडिया चूज़ करना डिफ़िकल्ट था। तो मैंने ये देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, कौन से जॉनर में आता है लिखने के लिए, तो मैंने वही जॉनर चूज़ किया। मेरा जॉनर था मिस्ट्री, तो मैंने वही जॉनर चूज़ करके उसी जॉनर में स्टोरी लिखी थी। दरअसल यह काम कर डाला है हल्द्वानी की ट्विन विन एकेडमी से जुड़े बच्चों ने। शिक्षाविदों की गाइडेंस में 20 बच्चों ने द सीन ऑफ होप नामक पुस्तक में कहानियां लिखकर एक नया कीर्तिमान रच डाला है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि हमें जब बोला गया था तो वर्ड्स जो ज़्यादा हो जा रहे थे, ज़्यादातर टाइम हमें, एक तो स्कूल भी चल रहे थे हमारे, तो स्कूल भी मैनेज करने थे, और लेकिन इतना अच्छा माहौल था कि कभी बर्डन नहीं लगा, तो उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। और दूसरी प्रॉब्लम जब आई थी वो थी हमें क्या कहते हैं इसको एक साथ लाने में, क्योंकि दिमाग में वो 1000 इंसिडेंट्स थे, एक जैसे इंसिडेंट्स थे जो हमने एक साथ कंपाइल करे। ये बचपन से लेके अभी तक की जो हमारी इमेजिनेशंस थी वो सब हमने अभी तक कंपाइल कर रखी। सर, पहली चीज़, मैं ना हिस्ट्री का शौकीन हूँ, ठीक है, मेरा पैशन है हिस्ट्री पढ़ना, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो सर ने सबसे पहले हमसे सबसे पहली चीज़ जो बोली थी कि जब आप एक स्टोरी लिखोगे तो आप अपने पैशन के ऊपर लिखना कि आपको क्या पसंद है। तो मैंने अपने पैशन से ही रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ वॉर्स पे लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ वॉर्स में वर्ल्ड वॉर टू कैसे नहीं आएगा, तो मैंने वर्ल्ड वॉर टू पे लिखा है अपना स्टोरी। टीवी पर्सनैलिटी और जाने माने लेखक वैभव पांडे, करियर काउंसलर अंशुल वशिष्ठ और शिक्षाविद मयंक गर्ग जैसे लोगों की गाइडेंस में यह बच्चे पिछले 6 महीने से लगातार बोलने और लिखने की कला पर काम कर रहे थे। ये बड़ा वैलिड सवाल है और लोगों के दिमाग में सवाल सबसे पहले आता है कि इतने छोटे बच्चे किताब कैसे लिखेंगे। तो जो ये स्टूडेंट सेलिब्रिटी कोर्स है, इसकी खासियत यही है कि बड़े लोग तो सेलिब्रिटी बहुत सारे बन ही सकते हैं, बच्चे सेलिब्रिटी बने। तो हमें लगा कि अगर बच्चे लेखक बनेंगे तो उनकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आगे उनको अच्छी नौकरी, अच्छे बिजनेस के ऑप्शन मिलेंगे। हमने उनको बेस्ट ऑफ दी ऑथर्स से रिलेट करवाया, हमने उनको ऑथर्स से ट्रेनिंग दिलवाई, अच्छे मैनेजर से ट्रेनिंग दिलवाई, ऐसे लोगों से ट्रेनिंग दिलवाई जिनको आप टीवी पे भी देखते हैं। और नतीजा ये हुआ कि ये सारे बच्चे जो 8 से 16 साल की उम्र के हैं, इन्होंने इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी कि वो सेलेक्ट हो गई। और आज ये किताब एक वर्ल्ड वाइड रिलीज़ इसका हुआ है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे किताब है, इसका नाम है द शीन ऑफ होप। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से 70 से 75% बच्चे हल्द्वानी शहर के हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, जो हमें लगता है शहर ने एक नई सुबह देखी है। आज 3-4 गलतियाँ होती हैं, या तो बच्चे बोलते अच्छा नहीं है, या बच्चे लिखते अच्छा नहीं है, या उनमें इतनी झिझक होती है कि जब भी आप देखेंगे कोई मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम में छुप जाते हैं या पार्टियों में मिलते नहीं है। कोविड के बाद ऐसा काफ़ी हुआ है। ये कार्यक्रम इन सारी चीज़ों पे काम करता है, और इसके अलावा ये कार्यक्रम उनको एक एनजीओ से भी जोड़ता है, ये कार्यक्रम उनको एक कंपनी के लोगों से भी जोड़ता है, और साथ ही साथ लिखना भी सिखाता है। और लंदन की क्वालिटी काउंसिल से ये कार्यक्रम सर्टिफाइड है, तो हमारे बच्चे एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी ले पा रहे हैं इसके द्वारा। तो मुझे लगता है कि वाकई ये कार्यक्रम एक नई चीज़ है। बिल्कुल, एक भारत का वैभव ग्रुप नाम से हमने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए एक मुहिम शुरू करी है। बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर करके फ्री में कोचिंग ले सकते हैं, और ट्विन विन के वही ट्रेनर्स जो ये बड़े बड़े कोर्सेज चला रहे हैं, सेम ट्रेनर्स हम उनको वहाँ दिलाते हैं। और मैं भी, और मयंक भी, और अंशुल भी, अंशुल एक करियर काउंसलर हैं UCLA अमेरिका से, और मयंक एक वैदिक मैथमेटिशियन है इंटरनेशनली एक्लेम्ड, हम सारे लोग उनको पढ़ाते हैं। और ये क्लासेज अभी ऑनलाइन है और बहुत जल्द ऑफलाइन भी होने वाली हैं, और ये निःशुल्क है। तो ये मैसेज अगर आप सब तक पहुंचाए तो हमें मदद होगी। लिखने की कला और पर्सनैलिटी पर काम कर रहे इन बच्चों की बुक अब नामी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी बिकने लगी हैं। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी निर्धन वर्ग के छात्र या बच्चे हों तो एक बार भारत का वैभव ग्रुप, जो ट्विन विन संस्था का ही ग्रुप है, जिसके माध्यम से यह संस्था निर्धन वर्ग के लोगों को निःशुल्क पढ़ाने का भी काम करती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।